अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज हम जा रहे थे मार्केट बच्चों के लिए ईद की शॉपिंग करनी थी। वैसे मैंने रिदा के लिए घर में ही फ्रॉक सूट बना लिया था, पर हाजी के लिए कपड़े नहीं थे। तो चलो, सोचा एक बच्चा ईद के दिन नया कपड़े पहनेगा, दूसरा नहीं पहनेगा नए कपड़े तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए उसके लिए भी कुछ खरीद लेते हैं। चलो फिर चलते मार्केट। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए फिर अब चलते हैं मार्केट। और सोचा आपको थोड़ा व्यू भी दिखा दूंगी, आगे मार्केट तक पहुँचते पहुँचते थोड़ा व्यू भी आप देख लीजिए। अब देखिए पहुंच गए हम शॉपिंग मॉल, लेकिन इसके वायरस की वजह से सब कुछ बंद है, लॉकडाउन की वजह से सब बंद है। बीच में एक दो दुकानें खुली हैं, हम इसमें अब देखेंगे कुछ अच्छा मिलेगा तो हम यहाँ से अब लेंगे। फाइनली हम इस शॉप पे पहुंच गए हैं, अब इसमें देखेंगे अगर कुछ अच्छा पसंद आ गया तो ले लेंगे। अब मजबूरी है क्योंकि बंद है सब, तो कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या पसंद आ जाए, यहाँ से कुछ आ ही जाएगा, देखते हैं।
वहाँ से हम आ गए अब ग्रोसरी के शॉप में। अब यहाँ पे काफ़ी रश है, उसकी वजह से मैं देख रही सोच रही हूँ बच्चों को लेके गाड़ी में बैठूँगी और अब मेरे हस्बैंड खुद ही शॉपिंग कर लेंगे, उन्हें जो लेना है देख के वो खरीद लेंगे सामान, क्योंकि ऐसे भीड़ भाड़ के इलाके में अब बच्चों को लेके जाना थोड़ा डर भी लगता है ना, इसीलिए मैं अब सोच रही हूँ कि मैं बच्चों को लेके निकल जाऊँगी और ये खुद ही शॉपिंग करके आ जाएंगे। फाइनली जो हम शॉपिंग करके लाए हैं बच्चों के लिए कपड़ों के लिए, ये पैंट ले ली मैंने हाजिक के लिए, वैसे एक ही शॉप खुली थी तो हमें जो पसंद आया वहाँ से फिर ले लिया। ये फुल स्लीव एक शर्ट ले ली मैंने क्योंकि इसके पास हाफ स्लीव्स काफ़ी सारी थी और ऊपर से गर्मियों में बाहर धूप में नाचते हैं तो फुल स्लीव्स मेरे ख्याल से बच्चों के लिए ठीक है। स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है, एकदम से डार्क हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, इसलिए फुल स्लीव्स ले ली। रीता के लिए कुछ लेना नहीं था पर ये टॉप पसंद आ गया फिर मैंने ये ले लिया। आज हम बनाने वाले हैं कड़म और आलू की सब्जी मिक्स प्रेशर कुकर में, बहुत इजी जल्दी बनने वाली। देखो मैंने तेल चढ़ा लिया, इधर मैंने कड़म और आलू दोनों काट के अच्छे से धोकर साफ करके रख लिए हैं। देखिए हमने प्याज ले लिया है, छोटा प्याज मैंने काट के ये ले लिया है, तेल गर्म हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे ये प्याज। प्याज को हम अच्छे से भुनेंगे पहले। प्याज भुन गया, अब इसमें हम लहसुन डाल के इसको भी अच्छे से लाल कर लेंगे, भून लेंगे। अब देखिए मैंने ये प्याज और लहसुन अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने सब्जी और डाल दी इसमें जो मैंने साग काट के रखा था, और इसमें हरी मिर्चें मैंने 3-4 काट के वो भी डाल ली हैं। अब इसमें हम डालेंगे नमक। नमक अब मैं इसमें छोटा स्पून है तो 3-4 स्पून मैंने इसमें नमक के डाल दिए हैं। हमें देखिए नमक डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे से सब्जी में। नमक डाल के मिक्स करने के बाद हम इसको लीड से 2-3 मिनट अच्छे से कवर करके रखेंगे। अब मैंने देखो ले लिया हरी मेथी और ये ले लिया है हरा धनिया, हम इसको अच्छे से धोकर इसमें काटने के लिए मैंने ये ले लिया है, मैंने इसे लीड उतार ली है। अब हम इसे मैंने लीड उतारने के बाद देखो सब्जी कितनी कम हो गई है, अब इसमें जो हरा धनिया और ये मेथी काट के रखी थी हमने वो अब इसमें डाल के इसको अब अच्छे से हम करेंगे मिक्स साग में। ये मिक्स हो गया, अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, मैंने छोटा स्पून जो है वो हल्दी का लिया है, उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच मिर्ची का लाल मिर्ची का डाल देंगे। अब फिर से हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब देखिए जब इसमें हल्दी मिर्ची नमक सब मिक्स हो गया उसके बाद हम इसमें डालेंगे गर्म पानी, मैंने इसमें ये इलेक्ट्रिक केटल का गर्म पानी डाल लिया है इसमें। अब ये गर्म पानी डालने के बाद हम इसे मिक्स करेंगे, पानी इसलिए डालेंगे ताकि हम जब इसमें सीटी बजवाएंगे, हमें 5-6 सीटियाँ बजवानी है तो ये सूख ना जाए। देखिए कितना जब 5-6 सीटी बजाएंगी उसके बाद ये तैयार हो जाएगा, बनने में कितना ईजी और कितनी जल्दी बन जाता है। अब ये देखिए हमारी कड़म आलू और मेथी की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है, ये बहुत टेस्टी है खाने में, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना।